अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम सफ़ा नंबर 6 पढ़ेंगे। सफ़ा नंबर 6 में हमारे पास दिया गया है, पढ़िए, पेंसिल फेरिए और लिखिए। हर्फ है ब। हमारे पास ये ब की पूरी शक्ल दी गई है, ठीक है। हमने इसके ऊपर पेंसिल फेरनी है इस तरीके से। नीचे हम नुक्ता लगाएंगे। क्या बन गया हमारे पास? ब की पूरी शक्ल। दूसरी लाइन में हमारे पास है ब की आधी शक्ल। इस पे भी हम पेंसिल फेरेंगे, ब की आधी शक्ल पे, कि इसे कैसे लिखा जाता है। ये है ब की आधी शक्ल। पहली लाइन में ब की पूरी शक्ल है, दूसरी लाइन में ब की आधी शक्ल है। इसकी मश्क आपने करनी है, ठीक है। इस पे पहले पेंसिल फेरनी है, उसके बाद हम कॉपी में इसकी मश्क भी करेंगे। तीसरी लाइन में ब की पूरी शक्ल दी गई है, उसके साथ है जमा। ये कौन सा निशान है? जमा का। ब जमा अ। ब को हमने अलिफ के साथ मिलाना है। ये ब की पूरी शक्ल है जमा अ। ये ब की आधी शक्ल है जमा अ, ठीक है। ब जमा अ, हम देखेंगे कि ब जमा अ को हम जब मिलाएंगे इन दोनों हरूफ को आपस में, तो हमारे पास आ जाएगा ब। ब क्या आ जाएगा? ब ब अ ब। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, ब की छोटी शक्ल को ऊपर से नीचे लेके आएंगे इस तरह, और इसको अ के साथ इस तरह मिलाया, बन गया ब। क्या बन गया? ब अ ब। इसको हम इस तरीके से इस पे पेंसिल फेरेंगे, ब अ ब। नीचे हमारे पास तस्वीर दी गई है, ठीक है, एक आदमी की और दूसरा बच्ची की, ठीक है। उसके साथ हमारे पास अल्फाज लिखा है, ठीक है। हमने जब ब अ को मिलाया तो ब ब बन गया, ठीक है। उसको जब हमने दो दफा लिखा, ब अ ब ब अ ब, तो क्या हर्फ, क्या अल्फाज बन गया हमारे पास? बाबा। क्या बन गया? बाबा। दूसरा अल्फाज हमारे पास दिया गया है, बारिश। इसको कैसे लिखेंगे? ब की छोटी शक्ल को अ के साथ मिलाया, क्या बन गया? ब। र लिखा, उसके साथ श लिखा, क्या क्या अल्फाज बन गया हमारे पास? बारिश। तस्वीर में हमारे पास बारिश की तस्वीर हमारे पास दी गई है, और साथ में हमारे पास लफ्ज लिखा है बारिश। शुक्रिया।